स्टूडेंट्स वेलकम बैक। ये मेरा सेकंड लेक्चर है लाइंस और एंगल्स पे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बात किया था एंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद जीरो एंगल और एक दो और टाइप्स में बात करेंगे। क्लियर है? वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी इसीलिए उसे वहां पे आधा पे कट करना पड़ा। चलिए उसका आगे का पार्ट यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बच्चों? देखिए सिंपल समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग वैसे एंगल को बोलते हैं जिसका दो एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए बच्चों? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल है और उसका सम अगर 90 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है ना? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा एंगल निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए तो क्या होगा, एक 60 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए, क्योंकि तभी 30 और 60 मिलके क्या बनेगा? 90 बनेगा। क्लियर है? मान लीजिए एक एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका? 50 होना चाहिए, तभी 40 और 50 मिलके क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। क्लियर है ना? यानी कि अगर एक एंगल कुछ भी हो दूसरा निकालने के लिए आप 90 से उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी बोल रहा निकालने के लिए, एंगल बी मैं मान रहा हूं कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर बोला है आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए यानी कि एंगल बी निकालिए तो आप क्या बोलिएगा? देखिए साफ कीजिएगा इस तरह से, एंगल 90 माइनस एंगल ए, यानी कि 90 डिग्री में से एंगल ए को माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका? एंगल बी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। एंगल बी हो गया क्या आपका? 30 डिग्री। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए एंगल बी दिया हुआ है आपका 25 डिग्री, बोला है एंगल सी निकालिए, क्या निकालिए? सी, और बोल दिया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तभी ये काम करेंगे। ठीक है, तो अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे? एंगल सी निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस 25 डिग्री, तो क्या कीजिए आप? इसको सबट्रैक्ट कीजिए, एंगल सी निकल गया। क्लियर है ना? बस समझ रहे हैं, सिंपल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री के। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसा एंगल को बोलते हैं बच्चों? वैसा एंगल जिसका दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। दूसरा हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना? तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक क्लियर है? इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है, एंगल ए 120 डिग्री है, बोला एंगल बी कितना होगा और ये बोल दिया दोनों सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो आप बोलिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर हमें एंगल बी निकालना है तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, एंगल ए कहां कितना दिया? 120 डिग्री दिया हुआ, तो यहां बोलिएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि एंगल बी आपका निकल जाएगा 60 डिग्री। बस समझ लेना बच्चों, सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम आपका कितना होगा? 180 डिग्री। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। किसी तरह कोई भी दिक्कत होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए, मैं आपका सारा डॉट्स क्लियर करूंगा। आप क्लास 9 में है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आप आए हैं आपका सारा डॉट्स क्लियर होगा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर अभी भी कोई दिक्कत है चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल डी आपको निकालने बोला या एंगल बी निकालने बोला और बोल दिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बोले, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी कितना निकल जाएगा? 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए आपका निकल जाएगा। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 180 से माइनस करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीरो एंगल पे। ठीक है, जीरो पे नहीं बात करते, सबसे पहले हम लोग इक्वल एंगल पे बात करते हैं कि हम लोग कब बोलेंगे कि दो एंगल इक्वल है। बस समझ रहे, इक्वल का मतलब समझ रहे हैं, बराबर है। तो सिंपल सा बात है कि
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे दोनों एंगल क्या चीज है, इक्वल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये 90 डिग्री है और यहाँ पे एक बायसेक्टर, इसको बायसेक्टर बोलते हैं, अगर इक्वल में कट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बायसेक्टर। तो ये 45 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं ए ओ बी और सी। तो अगर ये बोल देगा कि इक्वल एंगल है और यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्लियर है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, इसे हम लोग बोलेंगे इक्वल एंगल। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, अगर इक्वल में कट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बायसेक्टर। क्या बोलते हैं, बायसेक्टर। यानी कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक एंगल किसी को बायसेक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो लाइन है ना, वो एंगल को दोनों को इक्वल में बांट दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, हम बोले ये बायसेक्ट किया है, तो बायसेक्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्वल में बढ़ जाएगा, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे। क्लियर है बच्चों, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बस समझ में आ रही ना। तो ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट है जो कि चैप्टर को बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी तरह बात करते हैं अगर जीरो एंगल, जीरो एंगल मतलब क्या होगा, जिसका वैल्यू जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जीरो एंगल कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए दो पॉइंट और हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि कौन सा पार्ट एंगल का इंटीरियर कहलाएगा और कौन सा पार्ट एंगल का एक्सटीरियर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल ले लेते हैं, ये एंगल है, नेमिंग कर देते हैं ए ओ बी, ये नेमिंग कर दी। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट एक्स दे देते हैं, यहाँ पे वाई दे देते हैं, यहाँ पे जेड दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग सी दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग डी दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग ई दे देते हैं। क्लियर है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर, क्या बात कर रहा हूं इंटीरियर, और दूसरा बात कर रहा हूं एक्सटीरियर। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा होगा, इंटीरियर मतलब अंदर का, जैसे बोलते हैं ना इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइन एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर का और एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर। अब देखिए ये एंगल को देखिए कैसा निकला हुआ, इस तरह से पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट जो इधर आएगा वो इसका इंटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीरियर। आप ऐसे समझ सकते हैं जिधर मुंह खुला हुआ होगा वो इंटीरियर कहलाएगा और इसके बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर कहलाएगा। अगर मैं आपसे इंटीरियर का पॉइंट पूछूं तो आप बोलिएगा कौन कौन पॉइंट, एक्स वाई जेड। क्या बोलिएगा, एक्स वाई जेड, ये इंटीरियर का पॉइंट है। अगर आप लोग को एक्सटीरियर का पॉइंट बोले तो एक्सटीरियर का पॉइंट क्या बोलिएगा, सी डी। क्या बोलिएगा, सी डी। अब आप सोच रहे हैं ई क्या होगा, तो ई ना ही इंटीरियर होगा बच्चों और ना ही एक्सटीरियर होगा, क्योंकि ये लाइन रे के पॉइंट पे है, तो ये ना ही इंटीरियर कहलाएगा और ना ही एक्सटीरियर कहलाएगा। आई होप क्लियर है ना। चलिए अगर थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए कुछ और हम लोग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल ले लिए सी डी और यहाँ पे हम लोग ओ ले लिए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे दिए ए, यहाँ पे पॉइंट दे दिए बी, यहाँ पे पॉइंट दे दिए ई, यहाँ पे पॉइंट दे दिए एफ। क्लियर है, क्या हो गया यहाँ पे ये पॉइंट। अब अगर आपसे बोलेंगे कौन सा पॉइंट इंटीरियर है, तो देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इंटीरियर, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपका, बस समझ रहे बच्चों। चलिए अगर इंटीरियर का पॉइंट बोलेंगे तो क्या क्या बोलिएगा, ए हो गया और बी हो गया। अगर हम लोग एक्सटीरियर का पॉइंट बोलेंगे तो क्या बोलिएगा, ई हो गया और एफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था बच्चों जो कि आपको चैप्टर को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सारा, और इसका पार्ट वन भी देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि चैप्टर को आप अच्छे से बना सके। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है बच्चों तो मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो वो मेरा नेक्स्ट चैनल पे मिलेगा, यानी कि दूसरे चैनल पे मिलेगा, जिसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं।
इस चैनल पे मैं सारा चीज समझाता हूँ और उस चैनल पे बोल सकते हैं कि मैं एनसीईआरटी को सॉल्व करता हूँ। तो उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो भी चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेक्चर में।